सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो पलिया दरवाजा बना करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो दो पलिया दरवाजा मैं तैयार करने वाला हूँ, इसमें जैसे कि दो कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ये है कि ये जो दरवाजा मैं तैयार करूंगा, इसे मैं अकेले तैयार करूंगा, किसी का कोई हाथ नहीं रहेगा और ना ही किसी प्रकार का कोई सहयोग रहेगा। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये जो दरवाजा मैं बना रहा हूँ, ये जिस क्लाइंट का बना रहा हूँ उसका जो साइज है, वो हाइट जो है कि आपका 6.5 फीट है और चौड़ाई जो है कि 3.5 फीट है, उसमें 3.5 में 2 इंच कम ही है। लेकिन दोस्तों, क्लाइंट ने मुझे चैलेंज किया है कि ये जो मेरा दरवाजा बनना चाहिए वो करीब करीब 1.5 क्विंटल के आसपास बनना चाहिए, क्या ये बन जाएगा कि नहीं। तो दोस्तों, मैंने क्लाइंट से कहा है कि मैं जो है कि इसमें जो भी एंगल लगाऊंगा, जो भी चादर लगाऊंगा, वो सब मुझे छूट अगर रहेगी तो मैं उसे 1.5 क्विंटल पहुंचा सकता हूं। तो क्लाइंट ने कहा कि आप किसी तरह से भी बनाइए, लेकिन दरवाजा अच्छा लगना चाहिए और जो है कि 1.5 क्विंटल तक पहुंच भी जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज उसी क्लाइंट के चैलेंज को लेकर के मैं इस वीडियो को बनाने वाला हूं। और दोस्तों, जब ये दरवाजा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं लास्ट में आपको तौल करके दिखाऊंगा भी कि वास्तव में जैसे मैंने उस चैलेंज को पूरा कर लिया या फिर नहीं। इसी चैलेंज को लेकर के जो है कि इस गेट को तैयार करता हूं और इसे मैं कैसे बना रहा हूं, उसके बारे में भी सभी चीजों को आपको बारी बारी से बताता हूं। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भावनाओं में खो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं जैसे कि लोहे का दो पलिया दरवाजा बनाने जा रहा हूँ। ये जैसे नीचे का फेस है इधर का, और उधर का जो है कि वो ऊपर का फेस है। तो दोस्तों, अब देखिए, इसमें हमने फ्रेम भी साल लिया है और साथ ही साथ दोस्तों इसमें हमने पल्ला वाला जैसे कि फ्रेम भी इसमें काट लिया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि क्लाइंट का डिमांड है कि मेरा गेट थोड़ा हैवी होना चाहिए और साइज जो है कि दोस्तों ये करीब करीब आपका जैसे 6.5 फीट के आसपास है वहाँ से वहाँ तक, और दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है वो करीब करीब 3.5 फीट के आसपास है। लेकिन दोस्तों, क्लाइंट का डिमांड है कि भैया इतने में हमारा गेट जो है कि 1.5 क्विंटल के आसपास हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें आप लोग देख रहे हैं कि मेरा अब प्रयास यही है कि जब क्लाइंट ने डिमांड किया है कि 1.5 क्विंटल हो जाए, तो यहाँ पर मैंने, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ये जो है कि 2.5 इंच के एंगल से ये फ्रेम साला है। दोस्तों, वैसे तो ज़्यादातर गेट बनता है तो 2 ही जैसे कि इंच के एंगल में फ्रेम साला जाता है, और जो पल्ला होता है पल्ला को 1.5 इंच के एंगल में किया जाता है। लेकिन दोस्तों, चूंकि क्लाइंट का डिमांड है कि थोड़ा हमारा हैवी होना चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों मैंने 2.5 इंच का फ्रेम साल दिया है और 2 इंच के एंगल में देखिए ये पल्ला वाला मैंने साला है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग जैसे कि दो पलिया दरवाजा किसी भी क्लाइंट का बना रहे हैं तो इसका दूरी जैसे कि किस तरह से जैसे बांटेंगे पल्ला वाला, क्योंकि दोस्तों फ्रेम तो सालना आसान है, फ्रेम तो आप लोग साल लेंगे, मैंने कई वीडियो में चर्चा कर लिया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जैसे कि पल्ला की दूरी और इसकी गैपिंग किस तरह से बांटेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि किसी भी क्लाइंट का जब दो पलिया दरवाजा बनाना होता है तो दोस्तों उसमें होता क्या है कि आप जानते हैं कि दो पल्ला वाला रहता है, 1-2, तो अब उसमें क्या होता है कि दोनों पल्ला को बराबर बराबर बांटने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि दोस्तों यहाँ पर सेंटर में देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग मारा है, यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर ये 2। दोस्तों, ये सेंटर में मार्किंग मैंने मारा और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मार्किंग नजर आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा मार्किंग ये है। इसके बाद दोस्तों, जो बीच का गैप होता है वो करीब करीब 1/2 इंच के आसपास होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर मार करके 2 सूत इधर 2 सूत इधर करके इस एंगल को यहाँ पर फेस में कर दिया है। और फिर जो दोस्तों जो ऊपर किया है वही चीज मैंने नीचे भी किया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि मार्किंग बीच में मार करके 2 सूत इधर 2 सूत इधर करके मैंने इसे जैसे काट कोना से मिला दिया है। और दोस्तों, ये क्या हो गया है कि अब बीच का सेंटर तो पता चल गया, अब दोस्तों जो आरी वाला एंगल होता है, जो एंगल के पास वाला होता है, तो अब उसमें ज्ञात करना होता है दोस्तों कि ये जैसे कि इसके भाग को हम कितना जैसे घटाए बढ़ाएं ताकि जैसे कि ये पल्ला की चौड़ाई निकल सके। याद रहे दोस्तों, जब भी आप इसकी चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो ये जो एंगल होता है ना, जो मतलब पल्ला वाला, तो उसमें आप जो भी कब्जा लगाने वाले हैं, नट बोल्ट वाला कब्जा लगाने वाले हैं, चाहे सामान्य कब्जा लगाने वाले, तो उसको पहले यहाँ पर कुछ इस प्रकार के डाल करके इसे अच्छी तरह से काले, ताकि दोस्तों आपको पल्ला का जैसे कि ये बीच वाला सेंटर इस तरह से ज्ञात हो जाए और यहाँ का एंगल कितना बड़ा काटना है वो भी आपको ज्ञात हो जाए। तो दोस्तों, अब जब मैंने बीच में सेंटर मार लिया और जब बीच का मैंने एंगल जब दोनों ओर रख लिया, तो अब दोस्तों मैंने क्या किया कि बगल में जो एंगल रखा वहां पर मैंने कब्जा भी लगा दिया, एक जैसे ऊपर और एक वहां पर नीचे। ये इसलिए लगा दिया दोस्तों ताकि जो है कि अब जो है कि मैं ये ज्ञात कर सकूं कि अब इसके बीच में यहां से लेकर के और यहाँ तक कितना बड़ा जैसे एंगल लगेगा।
तो दोस्तों उसके लिए मैंने क्या किया कि जब यहाँ पर कब्जा रख लिया और यहाँ पर एंगल रख लिया, फिर बीच में जब सेंटर लगाया, तो अब दोस्तों यहाँ के बीच का एंगल अब हमें ज्ञात करना है कि ये कितना बड़ा लगेगा, ताकि जैसे कि दोनों पल्ला बराबर बराबर जैसे कि बट सके। तो उसके लिए हमने क्या किया है दोस्तों कि अब मैं आपको नाप कर दिखाता हूँ। तो अब देखिए, अब यहाँ पर भी बीच में हमने आधा इंची का गैप रख लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाले फेस यहाँ से रख करके जैसे वहां तक हम ज्ञात करेंगे कि कितनी जैसे मतलब इसकी दूरी आएगी। तो दोस्तों देखिए, अभी जब मैं टेप यहाँ पर रख रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए एक करीब करीब आपका कितना 19 इंची और करीब करीब 5 सूत के आसपास जैसे आपका एंगल आ रहा है। तो दोस्तों इसमें हम आधा सूत कम ही करके काटेंगे। तो उसके लिए दोस्तों मैं दिखा दूं कि यहाँ पर देखिए मैंने एंगल जैसे काट रखे हैं, ये जो दो एंगल है ये बीचों बीच रखेंगे ताकि जैसे कि चादर का दोनों ओर हम पल्ला भर सकें। और इसके बाद दोस्तों एंगल को मैं अभी आपको नाप करके दिखा देता हूँ कि ये कितना बड़ा मैंने काटा है। दोस्तों आप लोग देख लीजिए, यहाँ से जब मैं नाप रहा हूँ तो यहाँ तक देखिए आपका जैसे कि ये 19 इंची 5 सूत है, देखिए 19 इंची और ये 5 सूत है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 सूत। तो ये इसलिए किया हूँ दोस्तों ताकि जैसे कि एक आध सूत अगर ढीला रहेगा तो चलेगा। तो दोस्तों मैं अभी आपको जैसे उसमें लगा करके दिखाता हूँ, देखिए जैसे वो पल्ला हो गया तो उसमें मैं अभी आपको लगा करके दिखाता हूँ। इसका खत भी दोस्तों मैंने काट लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जब लगाया जाएगा, इसमें जैसे पल्ला बिठाया जाएगा तो ये देखिए आपका जैसे आराम से बैठ जाएगा। ये देखिए इसमें आराम से ये आपका पल्ला कुछ इसी प्रकार से बैठ जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि ये सटा हुआ है कुछ इस प्रकार से लगा करके, मतलब कि जैसे हम इसमें वेल्डिंग मार देंगे तो जैसे ये पल्ला आपका तैयार होगा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं जैसे काट चुका हूँ, तो अब जैसे मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ पहना करके उसमें सब कुछ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एंगल हो गया आपका, जैसे इसमें ये जैसे आपका बैठ गया यहाँ पर देखिए। और दोस्तों इसका जो फ्रेम सालना है ये इसी में डाल करके सालना है दोस्तों, मतलब कि इसका जो फ्रेम साला जाएगा वो इसी में डाल करके साला जाएगा, ताकि जो है कि बरोबर हो जाए। और ध्यान रहे दोस्तों कि ये जो पल्ला आप साल रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों एकदम बरोबर जमीन पर ये जैसे फ्रेम आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ओर का जैसे ये भाग ऊपर उठ जाए और उधर का नीचे हो जाए, तो दोस्तों आपका पल्ला जैसे कि क्या होगा कि बदगुन हो जाएगा। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं इसे यहाँ पर रख रहा हूँ। दोस्तों मैं सब कुछ नाप करके यहाँ पर कर लिया हूँ, अब जैसे कि मैं इसी में लगा करके जो है कि अब पल्ला को जैसे बनाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जैसे ऊपर यहाँ पर मैंने नीचे का भी रख लिया और ये रख लिया दोस्तों। अब पहले इसे क्या करेंगे कि इसे हम वेल्डिंग कर लेंगे। इसे वेल्डिंग करने के बाद दोस्तों ये जो होता है दोस्तों ये बीचों बीच रहता है, मतलब इसे क्या होता है कि पहले वेल्डिंग कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर जैसे कि दूरी नाप करके नीचे से दोस्तों करीब करीब 43 इंची दूरी नाप करके जैसे इसे कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है इसमें कुछ इस प्रकार से, मतलब कि नीचे से जो है कि 43 इंची नाप करके जहाँ भी आएगा, मान लीजिए जैसे यहाँ आ गया तो यहीं पर जैसे कि इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से वेल्ड कर दिया जाएगा। इसको इस तरह से वेल्ड करने का मतलब है दोस्तों कि जैसे एक चादर वाला भाग मतलब एक इसमें पड़ जाएगा और एक चादर इसमें पड़ जाएगा, मतलब ये दो खाना में मतलब कि बट जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से हो जाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए वो एंगल डाल लिए, अब जैसे इसी एंगल को भी मैं अभी आपको डाल के दिखाता हूँ दोस्तों। ये फिलहाल में समझाने के लिए बस मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव, बाकी तो मैं करके ही दिखाऊंगा। देखिए तो ये जैसे रहेगा और ये सब सटा रहता है, मतलब इस तरह से ये रहता है पूरा, इस तरह से जोड़ा नहीं है इसीलिए फैल जा रहा है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये आपका पल्ला बैठता है। चलिए दोस्तों अभी मैं इसे आप लोगों के सामने जोड़ता हूँ, उसके बाद चादर उधर सब काट करके उसे दबा करके दिखाता हूँ दोस्तों। इस गेट को मैं लाइव बताऊंगा जिसे बना करके। और दोस्तों ये जो गैप हो जाता है, तो ये तो मान लीजिए ये पीछे का फेस है, आगे का फेस उधर है, तो जब ये हो जाएगा ना तो गैप मुनने के लिए दोस्तों एक 1.5 इंची के पटरी का पतामी पूरा लगाया जाता है, मतलब इसके एंगल के इस कोर से लेकर के मतलब नीचे तक मतलब एक 1.5 इंची का पटरी का पतामी लगाया जाता है, ताकि एक गैप जो है कि वो मुना जाए। तो वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने लाइव जैसे पल्ला जो है कि जोड़ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं फ्रेम के अंदर ही जैसे पल्ला को लगा रखा है, और यहाँ पर जैसे कब्जा को लगाने के बाद जैसे अब मैं इसमें वेल्डिंग करना शुरू कर रहा हूँ। और दोस्तों पहले से ही मैंने इसे नाप जोक करके अच्छी तरह से सब कुछ मिला लिया है, लेकिन दोस्तों फ्रेम सालते समय भी मैं थोड़ा सा टेप का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हो तो अच्छी तरह से सही हो जाए, इसीलिए दोस्तों, क्योंकि मिलाने के बाद भी जब फ्रेम साला जाता है तो थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक रहती है तो वो अच्छी तरह से सही रहे, इसीलिए दोस्तों नापना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं नाप कर जैसे आपके सामने ही लाइव करके जैसे साल करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अब जैसे कि इसमें जब ये साला जाएगा तो इसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा कि इसमें चादर किस तरह से काटे जाएंगे और किस तरह से डाले जाएंगे, और दोस्तों इसे 1.25 इंची की पटरी से उस चादर को किस तरह से दबाया जाता है।
तो दोस्तों फिलहाल में मैं इस फ्रेम को साल करके आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ, बाद में जैसे आगे का सारा प्रोसेस जैसे मैं बताऊँगा। तो दोस्तों जब फ्रेम साला जा सकता है तो एक एक टाका ऊपर मारने के बाद फिर बगल में भी एक एक टाका मारा जाता है। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले देखा जाता है कि सटा है अच्छी तरह से नहीं, जब सटा है जैसे फ्रेम में फ्रेम चारों ओर सटा है तो उसके बाद जैसे एक एक टाका बगल में भी मारा जाता है ताकि जैसे ये जैसे भाज ना सके, मतलब ये बदगुन ना हो सके। और दोस्तों ये जैसे कि इस तरह से टाका मारने के बाद अभी मैं आपको बताऊंगा कि बीच वाला एंगल किस तरह से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब बारी उसी की आई है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसे बरोबर करके अब जैसे पहले एक ओर से टाका मार रहा हूँ, फिर दोस्तों इसे पलट करके दूसरी ओर से भी उसी तरह से दबा करके टाका मारा जाएगा। दोस्तों ये सटा नहीं है तो सड़सी का प्रयोग करके दोस्तों मैं दबा करके इसे बिल्डिंग मार रहा हूँ ताकि जैसे ये अच्छी तरह से चिपक जाए, ताकि एंगल के बीच में गैपिंग ना रहे। तो दोस्तों जो है कि ये हो गया, उसी प्रकार से दूसरा भी मैंने कर लिया है। तो दोस्तों अब नीचे से जो है कि 43 इंची पर मैं मार्किंग मार करके जो है कि दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें जैसे कि एंगल को सेट करूँगा। दोस्तों नीचे से 43 इंची इसे इसलिए मारा जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें जो है कि हैंड्राप सेट करना होता है, जो ये बीच वाला एंगल है जो टुकड़ा है जो मेरे हाथ में इस समय, दोस्तों इसी में हैंड्राप जैसे सेट करना पड़ता है आगे से भी और जैसे पीछे से भी। तो दोस्तों होता क्या है कि अब जरूरी है कि 43 इंची नीचे से रहे, क्योंकि अगर आप लोग कम करेंगे तो थोड़ा सा हैंड्राप नीचे हो जाएगा। तो जरूरी है, रूल यही है कि 43 इंची पर जैसे कि हैंड्राप वाला जैसे कि पट्टी होना चाहिए। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसे आपके सामने अभी लाइव जोड़ करके दिखाया, तो मतलब ये जो है कि पल्ला जो दोनों है जो ये तैयार हो गया है। अब दोस्तों यहाँ से जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नीचे से यहाँ पर 43 इंची नाप करके पहले जो है कि इसमें क्या होता है कि चादर से डाला जाता है। दोस्तों 43 इंची इसलिए नापा जाता है क्योंकि दोस्तों जो हैंड्राप लगता है वो इसी में फेस में यहीं पर लगेगा। तो दोस्तों हैंड्राप जो है वो 42-43 के आसपास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों ऊपर की जितनी भी दूरी बचती है, चाहे वो थोड़ा सा छोटा ही हो जाए चाहे बड़ा हो जाए, तो दोस्तों उसमें चादर काट के अलग से डाला जाता है, लेकिन नीचे का जो है कि वो 43 आपका होना ही चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, अब दोस्तों मैं आप लोगों के सामने ये फाइनल करके पूरी तरह से दिखाऊंगा। तो अब इसमें क्या है कि अब मैं चादर काटने जा रहा हूं, तो दोस्तों इसमें जो भी लंबाई चौड़ाई की चादर आएगी मैं जो है कि काट के मतलब इसमें डालूंगा और आपके सामने दिखाऊंगा कि जैसे चादर को किस तरह से इसमें दबाया जाता है। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसमें का चादर भी काट लिया है, एक चादर जो है कि उधर रख दिया है, एक और का पल्ला, दूसरा चादर ये है दोस्तों जो कि मैं अभी आपको भर के दिखाता हूँ। इसमें दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये जो खाना है इसी का नाप था, मैंने जैसे कि इसमें चादर काटा था, ये देखिए ये आपका एक इसमें हो गया, इसके बाद इसे ऊपर एक खाना भरा है। तो इसमें जैसे यहाँ पर चादर कुछ इस प्रकार से रख करके इसे भी हम भर देंगे दोस्तों, ये देखिए। अब इसके बाद दोस्तों इसमें 1.25 इंची की पटरी काट करके इसे दाबी जाएगी। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पट्टी भी काट ली है। दोस्तों यहाँ पर जो ये बड़ी वाली पट्टी है और ये वाली छोटी वाली पट्टी है। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर लगा करके किस तरह से दाबा जाता है। दोस्तों मान लीजिए जैसे गेट हो गया, तो इसमें जैसे कि यहाँ पर इस पल्ले में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा करके इसे यहाँ पर इस तरह से दबाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर पूरा माथोमाथ, फिर इसके बाद एक पटरी इधर से फिर एक पटरी उधर से कुछ इस प्रकार से दबाया जाता है यहाँ पर। और दोस्तों जब बेल्डिंग मारा जाता है तो पूरा हथौड़ी से यहाँ पर दबा करके खूब अच्छी तरह से बेल्डिंग मारा जाता है। और दोस्तों जब वो हो जाता है तो फिर बगल से ये वाला इधर से इसे भी लगा करके बेल्डिंग मारा जाता है यहाँ से लेकर के वहाँ तक, और फिर इसके बाद एक पट्टी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। दोस्तों अभी मैं लाइव आपको मार के दिखाऊंगा अभी, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों इसी में सबको जैसे दबाया जाता है। और दोस्तों पट्टी काटने के लिए आसान तरीका यही कि सबसे पहले जो खाना है लंबी वाली पटरी आप लोग काट ले में पूरा माथे तक, और एक जैसे इधर का और एक जैसे उधर का, फिर इसके बाद जैसे ये दोनों काट करके यहाँ पर सटा करके फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापे, यहाँ तक जितनी बड़ी पटरी आएगी तो जैसे उतना बड़ा आप लोग काट सकते हैं कुछ इस प्रकार से जैसे मैंने काटा हुआ है यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों अब आप लोगों के सामने मैं जैसे लाइव पटरी जैसे दबा करके दिखाऊंगा। दोस्तों एक हाथ में मैं हथौड़ी लेकर के दोस्तों उसे दबाता हुआ जा रहा हूं और दूसरे हाथ में वेल्डिंग मारता हुआ जा रहा हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं अकेले ही इस दरवाजे को फाइनल करने वाला हूं, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके, मतलब जो लोग आज के समय में अकेले हैं और वो अगर सोचते हैं कि मैं अकेले रह करके कोई दुकान संभाल सकता हूँ कि नहीं, तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि देखिए आप अकेले भी रह करके काम कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। हाँ थोड़ा उलटले पलटले में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, अन्यथा इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो है कि
आप लोग देख सकते हैं कि मैं चादर को यहाँ पर दबा रहा हूँ और जैसे वेल्डिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो पटरी है 1.25 इंची की पटरी है जैसा कि मैंने पहले बताया था, और यहाँ पर दोस्तों ठौड़ी से थोड़ा थोड़ा मार करके मतलब एकदम एंगल में जैसे पटरी चिपकना चाहिए, और फिर इसके बाद दबा करके जैसे कर रहा हूँ। इसके बाद जब ये अगल बगल का हो गया तो ऊपर नीचे का भी पटरी उसी प्रकार से दबाया जाएगा हथौड़ी से मार करके। दोस्तों जब ये जैसे कि हो जाता है तो उसी तरह से फिर बाद में हैंडल हैंड्राफ का काम जैसे किया जाता है, हैंडल हैंड्राफ का काम करने से पहले जैसे इसमें थोड़ा सा पल्ला का भी सेटिंग किया जाता है, मतलब कब्जा भी जोड़ा जाता है। तो दोस्तों जब ये चादर मैं जोड़ लूँगा तो आपको अभी बताऊँगा कि जैसे इसमें कब्जा किस तरह से सेट किया जाता है दोनों पल्ला में, और उसके बाद भी हैंडल हैंड्राफ के बारे में भी बताऊँगा। तो दोस्तों अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कब्जा जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर मैंने बराबर दूरी पर नाप करके दूधिया से मार्किंग मार ली है। तो दोस्तों ये जो कब्जा है यही नट बोल्ट वाला कब्जा लगेगा। तो दोस्तों ये जो नट बोल्ट वाला कब्जा है ये जैसे पल्ला के अंदर से लगता है, मतलब कुछ इस प्रकार से यहाँ से, मतलब ये देखिए ये सामने वाला फेस है तो मतलब आगे से नहीं लगेगा, मतलब ये जो हिस्सा है ये गड्ढा वाला हिस्सा कोर लगता है, मतलब देखिए कुछ इस प्रकार से इधर से लगता है। दोस्तों अगर आगे से लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों ये जो है कि ये जो मार्किंग वाला हिस्सा है देखिए ये मतलब इसके फेस में रहता है, मतलब जो मुड़ा वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, मतलब जो मुड़ा वाला हिस्सा है वो पल्ला से ऊपर हल्का सा रहता है, बकिया जो प्लेन वाला हिस्सा रहता है वो लेवल में रहता है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों ये देखिए कुछ ये जो मुड़ा वाला हिस्सा है ये देखिए बाहर निकला हुआ है, मतलब कुछ इसी प्रकार से जैसे इसे लगा करके कब्जा को इसमें वेल्ड किया जाता है, और इसके बाद जैसे फिर पल्ला को बिठाया जाता है, तो ये जैसे कि यहीं पर लगेगा। तो दोस्तों अब आप लोगों के सामने जैसे मैं कब्जा जोड़ने जा रहा हूँ, दोस्तों जब ये कब्जा जुड़ जाएगा तो मैं आप लोगों को दो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा। दोस्तों कुछ जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं कि भाई मैंने एक क्लाइंट का गेट बनाया था लेकिन जब वो क्लाइंट ने गेट को जाम करवाया तो वो पल्ला झुक गया। तो दोस्तों मैं बताऊँगा कि जैसे आप लोग क्या गलती करते हैं कि वो पल्ला झुक जाता है, तो जैसे कि आप कौन सी गलतियाँ अगर सुधार लेंगे तो आपका पल्ला जो है कि नहीं झुकेगा, तो उसी के बारे में चर्चा करूँ। और जो दोस्तों दूसरी जो बातें हैं वो क्या बातें हैं वो जैसे कि कब्जा जुड़ने के बाद ही मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कब्जा जोड़ लिया है, और जो दोस्तों कब्जा जब भी जोड़ा जाता है तो ये गड्ढे वाले हिस्से में मतलब पल्ला के ठीक पीछे वाले हिस्से में जोड़ा जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर इस कब्जे को अगर मान लीजिए इधर के बजाय अगर आप लोग इधर जोड़ देंगे तो सोचिए कि उस एंगल में जा करके आड़ने लगेगा और खुलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो रूल है ही नहीं। तो दोस्तों इस तरह से जोड़ा जाता है, तो आप लोग देख रहे हैं कि कब्जा जैसे जुड़ गया। और दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ कि जब भी आप नट बोल्ट वाला कब्जा जोड़ें चाहे कोई भी कब्जा जोड़ें, तो मान लीजिए जैसे ये खुलने वाला हिस्सा है जो घूमने वाला हिस्सा है, तो मान लीजिए एक पार्ट हो गया, मतलब एक दो और ये पूरा मतलब एक पार्ट हो गया और एक पार्ट स्थिर हो गया, तो मतलब जो ये घूमने वाला हिस्सा है तो उसमें इसमें वेल्डिंग मार दीजिए यहाँ पर यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर जो स्थिर वाला हिस्सा है यहाँ पर भी आप लोग वेल्डिंग मार दीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा दोस्तों कि जैसे कि ये आपका जैसे खुलेगा नहीं यहाँ से, मतलब कि आपका जाम रहेगा। कभी कभी आप लोग शिकायत करते हैं ना कि भैया जब मैं पल्ला बनाया था तो उसका पल्ला झुक जा रहा है। दोस्तों होता यही है कि जब ये लोड पाता है ना तो कब्जा यहाँ से थोड़ा सा घिंचाने लगता है तो खुलने लगता है, उसी के कारण पल्ला लटक जाता है। तो जब आप लोग किसी का गेट बनाए तो जब कब्जा लगाए तो कब्जा को आप लोग अगर इस तरह से जोड़ देंगे तो ये दोस्तों क्या होगा कि जैसे ही आपका जाम हो जाएगा तो पल्ला खुलेगा नहीं। और ध्यान रहे कि जो सटा हुआ हिस्सा है मतलब जो फ्री वाला उसी को इधर उधर जोड़ना है, ऐसा नहीं दोस्तों कि ये जो घूम रहा है तो आप लोग यहाँ पर जोड़ दें, अगर यहाँ पर जोड़ देंगे तो अब तो ये जाम ना हो जाएगा तब तो नहीं खुलेगा ना। तो ये आपको ध्यान देना है कि इस तरह से डोला करके देख लेना है, जो हिस्सा फ्री है तो उसको फ्री में जोड़ना है और जो हिस्सा स्थिर है उसको स्थिर में जोड़ना है, तो कुछ इस प्रकार से करके जोड़ना है। तो दोस्तों ये तो आपका हो गया जैसे पल्ला जोड़ने की बात। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात और है दोस्तों कि अब दोस्तों चूंकि कब्जा जब जोड़ा जाता है तो अब बारी आती है कि इसे डालने के लिए, मतलब इसमें डालने के लिए, तो उससे पहले दोस्तों आप लोग क्या करें कि पल्ला को मतलब कि इस पल्ले को यहाँ पर एंगल में डालने से पहले और कब्जा जिसे इसमें फिट करने से पहले दोस्तों आप लोग क्या करें कि राड का छोटा छोटा टुकड़ा जो है कि एंगल में आप जैसे डेढ़ डेढ़ बित्ता पर मतलब 9-9 इंची पर आप लोग रख ले। में अब आप कहेंगे कि भैया ये राड का ये टुकड़ा क्यों रखा जाएगा इसमें, तो दोस्तों मैं बता कि अगर आप राड का टुकड़ा रख करके अगर इस पल्ला को गिरा करके इसमें जैसे कि जब आप लोग कब्जा सेट करेंगे ना तो होगा क्या कि इसका जो ए फेस है मतलब सामने वाला ए फेस ये जो है कि इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, मतलब जितना कब्जा का थिकनेस उतना ऊपर रहेगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों तो होगा क्या कि अगर आप लोग उस तरह से जोड़ने के लिए तो जोड़ देंगे तो होगा क्या कि पल्ला इसी में चिपका रह जाएगा, और जब आप कब्जा सेट कर देंगे तो बाद में जब क्लाइंट दरवाजा बंद करेंगे ना तो इसमें रगड़ाने लगेगा, मतलब पल्ला का ये वाला हिस्सा जो है कि इसमें रगड़ाने लगेगा। लेकिन
लेकिन अगर आप इस तरह से अगर रख करके जब पल्ला रखेंगे तो होगा क्या कि ये थोड़ा सा गैपिंग इसके बीच में बना लेगा, तो क्या होगा कि जब पल्ला क्लाइंट बंद करेंगे खोलेंगे ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे दुकान का ये पल्ला है, तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि जब ये पल्ला बंद हो जा रहा है तो ये क्या है कि देखिए इसमें थोड़ा सा दो सूत का गैप है, मतलब इसमें दो सूत गैप जरूर है, क्योंकि दोस्तों अगर ये गैप नहीं दिया जाता तो मान लीजिए जैसे ये खुल रहा है और आसानी से बंद हो रहा है, तो अगर मान लीजिए इसमें गैप नहीं रहेगा तो होगा क्या कि ये वाला फेस जाके इसमें रगड़ाने लगेगा, तो होगा क्या कि बाद में दिक्कत आएगी, क्लाइंट कहेंगे कि देखिए भैया मेरा यहाँ पर पकड़ रहा है। तो इसीलिए दोस्तों इसी चीज से बचने के लिए आप लोग जो है कि जब पल्ला सेट करें तो यहाँ पर राट का टुकड़ा रख लें, तो चाहे दो पलिया हो चाहे एक पलिया, अगर मान लीजिए एक पलिया है तो जिधर कब्जा जोड़ना है उधर रख लीजिए, और अगर दो पलिया है तो मतलब इधर भी और उधर भी रख लीजिए, फिर इसके बाद जैसे कि पल्ला को उसमें गिराइए। देखिए कुछ इस प्रकार से, देखिए मान लीजिए हो गया, तो अब जैसे हम पल्ला को क्या करेंगे कुछ इस प्रकार से इसी में गिरा देंगे, देखिए ये आपका कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हो गया। तो दोस्तों चूंकि अब हम क्या करेंगे, अब इसमें जो है कि हम जो है कि कब्जा को जोड़ेंगे, तो दोस्तों जोड़ने से पहले अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो दूरी है वो निश्चित दूरी बांट लेंगे। ऊपर दोस्तों जो गैपिंग दिया जाता है वो करीब करीब दो सूत के आसपास दिया जाता है, और नीचे की जो गैपिंग है दोस्तों वो पल्ला की गैपिंग, इसमें आप लोग जो है कि आधा इंची का गैपिंग दे सकते हैं, पौना इंची का गैपिंग दे सकते हैं, या फिर एक इंची का गैपिंग दे सकते हैं, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा, या तो पौना इंची या तो आधा इंची या तो एक इंची। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं जो है कि आधा इंची के आसपास इसमें गैपिंग दिया, ऊपर जो है कि दो सूत के आसपास मैंने गैपिंग दिया हूं, तो इसी तरह से आप लोग कीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए कुछ इस प्रकार से इधर का पल्ला इधर गिर जाएगा और उधर का पल्ला जो है कि उधर गिर जाएगा, फिर जो है कि इसमें कब्जा की जोड़ाई होगी। तो जोड़ाई करने के लिए दोस्तों इसमें क्या होगा कि ये जो कब्जा है अब इसी को जैसे कि इसमें सटाया जाएगा, मतलब ये देखिए इसी में कुछ इस प्रकार से सटा करके मतलब अब इसमें वेल्डिंग मारा जाएगा। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर जैसे कब्जा भी मार रहा हूँ, दोस्तों कब्जा जैसे कि होता क्या कि एंगल में चिपका नहीं रहता, तो पटरी को जैसे वहाँ पर लगा करके थोड़ा सा चाड़ा जाता है ताकि जैसे कि सट जाए एंगल में, इसके बाद जैसे कि वेल्डिंग मारा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे कब्जा में पटरी से लगा करके थोड़ा सा सटा करके फिर जैसे टाका मार रहा हूँ, इसके बाद जैसे कब्जा सेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस पल्ला में जैसे कि यहाँ पर जैसे कब्जा मतलब वेल्डिंग कर देने के बाद दोस्तों फिर जो इधर का है मतलब दूसरे साइड वाला पल्ला, उसमें भी कुछ उसी प्रकार से भी कब्जा जैसे कि वेल्डिंग किया जाएगा। यह सब जैसा कि मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि यह सब जोड़ने से पहले गैपिंग का विशेष ध्यान दिया जाता है, और गैपिंग वैपिंग सब अच्छी तरह से देख ली जाती है, उसके बाद जो है कि कब्जा जोड़ा जाता है ताकि जो है कि पल्ला में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आ सके। दोस्तों जब ये हो गया तो थोड़ा हम इसे खोल करके देखते हैं कि यह किस तरह से अच्छी तरह से खुल जा रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये देखिए ये आपका जैसे पल्ला जो है कि अच्छी तरह से खुल जा रहा है, अब दोस्तों इधर का इधर और इधर का इधर आपका खुल गया। तो दोस्तों अब जो है कि थोड़ा सा मैं इसका लेवल देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से भी वेल्डिंग मारनी है, क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि उस पटा से पीछे से तो वेल्डिंग हो गया लेकिन ये पल्ला ज़मीन की ओर होने के कारण वेल्डिंग नहीं मरा पाया था, तो वहाँ पर मैं जैसे आगे के फेस में भी वेल्डिंग मारूँगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो है कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि कहाँ पर वेल्डिंग मारनी है। दोस्तों देखिए एंगल के इस जोड़ पर, मतलब कि यहीं पर जैसे वेल्डिंग नहीं मारी गई थी, तो यहाँ पर अब मैं वेल्डिंग जैसे कि मार रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों जब ये हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हैंडराब सेट करूँगा, तो उसको भी मैं दिखाऊँगा। तो दोस्तों गेट बनाया जाए और उसमें हैंडराब के बारे में न चर्चा किया जाए तो भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि भाई वही तो मेन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पट्टी मैंने बड़ी वाली उधर सेट कर दी है, और एक छोटी वाली मुड़ी पट्टी इधर मैं सेट कर रहा हूँ, ये 1.5 इंची की पट्टी है दोस्तों, और जो है कि उधर का लगभग 13 इंची बड़ा है और इधर का जो है कि आपका लगभग 6 इंची के आसपास है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब हैंडराब वनड्राप सेट करने के बाद यहाँ 1.5 इंची मार्किंग मारने के बाद दोस्तों अब होता क्या है कि हैंडराब के दोनों ओर मुनरी पहना करके, और जैसे इसे क्या किया जाता है कि जो 1.5 इंची पर मार्किंग मारा जाता है वहीं पर जैसे कि इसे टाका जाता है। दोस्तों 1.5 इंची का जो मार्किंग होता है वो मुनरी उधर होनी चाहिए, और दोस्तों कुछ टाका मार करके इसे फंसा लिया जाता है, फिर जैसे कि थोड़ा सा हैंडराब को घुसका करके इधर लेबल पल्ला में करके उधर फिर इसके बाद जैसे एक टाका मार दिया जाता है। फिर दोस्तों इधर वाले पल्ले में भी जैसे मुनरी फंसाने के लिए जैसे यहाँ पर भी डाल करके इस तरह से टाका मार दिया जाता है, और दोस्तों इसे फिर जैसे वेल्डिंग मार दिया जाता है। जब ये हो जाता है दोस्तों तो इसमें थोड़ा सरकार करके देख लिया जाता है कि अच्छी तरह से बंद हो रहा है कि नहीं, और फिर दोस्तों नीचे जहाँ पर कुंडी जोड़ी जाती है वहाँ पर भी एक पट्टी लगाया जाता है उसके सीध में, जहाँ पर मतलब कब्जा बंद होता है वहाँ पर, मतलब जो आपका चपकन बंद होता है वहाँ पर। तो फिर दोस्तों वहाँ पर सेटिंग करके उसे वेल्डिंग मार करके फिर दोस्तों वहाँ पर जैसे कुंडा जोड़ा जाएगा जो कि है, तो वहाँ पर कुंडा जोड़ने के लिए थोड़ा सा पहले वहाँ पर पहना करके हल्का सा ऊपर उठा करके इसके बाद जैसे वेल्डिंग से टाका मार दिया जाता है, फिर बंद करके चेक किया जाता है। और दोस्तों अगर ये खुलने बंदने में
दिक्कत होता है, थोड़ा इधर उधर ठोकर के इसे सीधा करके फिर जैसे इसे इसी तरह से कर दिया जाता है, फिर इसमें फाइनल जो है कि वेल्डिंग मार दिया जाता है, तो जैसे ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बारे में दोस्तों मैंने एक वीडियो में प्रॉपर चर्चा किया है। तो दोस्तों ये देखिए आपका जैसे ये हो गया और ये अच्छी तरह से खुल रहा है, बंद हो रहा है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है इसमें हैंडल की। तो दोस्तों हैंडल जो होता है वो सेट किया जाता है ऊपर थोड़ा सा, तो वहाँ पर देखिए दोनों पल्ला में, चूँकि दो पल्लिया है तो दोनों पल्ला में ही जैसे ये हैंडल सेट करना पड़ेगा दोस्तों। 5-5 इंची पर जैसे मार्किंग मार करके यहाँ पर जैसे हैंडल की सेटिंग की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सब वेल्डिंग करने के बाद दोस्तों ये पल्ला पूरी तरह से फाइनल हो जाता है। सो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं ये दरवाज़ा पूरी तरह से बन के कम्प्लीट हो गया है आपका। आप लोग देख सकते हैं ये आपका दरवाज़ा पूरी तरह से दोस्तों बन के आपका कम्प्लीट हो गया। दोस्तों यहाँ पर आगे से भी हैंडल हैंडरअप लगा दिए। दोस्तों ये सामने का फेस है, इससे पहले मैंने पीछे पक्का फेस आपको दिखाया था। अब दोस्तों देखिए इसमें जो गैपिंग था बीच में, यहाँ पर मैंने 1.5 इंची के पट्टी का पतामी लगा करके जो है कि इसे अब मुन दिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक और जोड़ा जाता है पतामी और एक और उसी तरह से छोड़ दिया जाता है। मतलब दोस्तों ये जो 1.5 इंची के पट्टी का जो पतामी जोड़ा जाता है ये दोस्तों सामने से जैसे बाएं वाला पल्ला में जोड़ा जाता है, मतलब ये दाहिने का पल्ला है ये बाएं का पल्ला, तो जैसे बाएं वाला पल्ला में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि ये जैसे गैप भी बुना देता है और जैसे वो पल्ला जब आता है तो उसी को यहाँ पर सपोर्ट करता है, तो कुछ इस प्रकार से जैसे कि हो जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ा समय तौल कर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले मैं स्केल थोड़ा सा चालू कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे ये आपका चालू हो रहा है, अब यहाँ पर 0 हो गया। तो दोस्तों अब यहाँ पर जैसे कि इसे तोलने के लिए पहले मैं थोड़ा सा कैमरा थोड़ा साइड में एक और रख देता हूँ, इसके बाद दिखाता हूँ। तो दोस्तों कैमरा मैंने रख दिया है, अब जैसे इस गेट को इसी स्केल पर जैसे अब जैसे रखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये जैसे कि पूरी तरह से आपका ये आपका हो गया। तो दोस्तों अब मैं कैमरे में थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जैसे गेट आपका हो गया, अब थोड़ा सा नीचे देखते हैं कि ये कहीं पर टचिंग तो नहीं है। तो दोस्तों ये नीचे कहीं पर टचिंग नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अब वजन देखते हैं, ओ गॉड, 1 क्विंटल 49 किलो 700। दोस्तों ये देखिए मतलब 1 क्विंटल 49 किलो 600 के आसपास ये आपका हो गया, आप देख रहे हैं। मतलब दोस्तों जो चैलेंज मैंने दिया था कि नहीं मैं आपका चैलेंज पूरा कर दूंगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने कर दिखाया। मतलब कि यहाँ पर हैवी एंगल और आपका जैसे कि सब चदर उदर पट्टी उट्टी लगाने के बाद आपका 1 क्विंटल 49 किलो 600 आपका हो गया, सिर्फ 400 ग्राम कम है। तो दोस्तों आपने अब देखा कि किस तरह से मैंने जो है कि गेट को बना भी लिया और अपने क्लाइंट के जो कि चैलेंज को भी मैंने पूरा कर दिया, यानी कि जो 1.5 क्विंटल का टारगेट था वो जैसे कि थोड़ा सा सिर्फ 400 ग्राम ही कम है, मतलब समझिए कि वो एक तरह से पूरा ही हो गया। तो दोस्तों मैंने अपना चैलेंज पूरा किया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी से, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।